नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको लगातार फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहती है। हमारी एक सीरीज चली हुई है फिजिकल एजुकेशन DSSB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, जहाँ पे डेली बेस क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो आज उस सीरीज का ये पांचवा पार्ट में लेके आ गया हूँ, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। इसके बाद आज के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट क्या है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, तो ही हम काम कर सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल करने में जो हेल्प करता है वो कौन सा एलिमेंट होता है? तो वो आपका आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मायोफाइब्रिल। आप साथ ही साथ सोल्व किया करो इन बेस क्वेश्चंस को। मैं आंसर थोड़ा स्लो बताऊंगा और उसके बाद कमेंट में ज़रूर बता दिया करोगे कि किसने कितने क्वेश्चन ठीक किए, उसके हिसाब से मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। सार्कोप्लाज्म पाया जाता है, तो इसका आंसर सोचिए खुद और लास्ट में काउंट कर लेना कि कितने आंसर आपने सही दिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मसल सेल। नेक्स्ट है, मसल में प्रोटीन पाया जाता है। मसल में कौन सा प्रोटीन जो है पाया जाता है? तो मसल में प्रोटीन जो है पाया जाता है वो एक्टिन एंड मायोसिन जो है आपका प्रोटीन पाया जाता है। रेड मसल फाइबर इज हेल्पफुल इन, मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था, दो प्रकार के मसल फाइबर होते हैं, रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर, ठीक है। तो ये किस में हेल्पफुल होते हैं? ये होते हैं फॉर इंडोरेंस, इंडोरेंस में हेल्पफुल, सहनशीलता वाली एक्टिविटीज़ में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, पेश ये विज्ञान का जनक कौन है? जो मसल साइंस है जो आपकी, उसका जनक कौन है, उसके फादर कौन है? तो उसके फादर हैं आपके अरस्तु। नेक्स्ट है, किन्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किन्सियोलॉजी किसका अध्ययन करती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मानव क्रियाओं का। इसके बाद है, मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की मसल्स हमारे शरीर में होती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री कार्डियक, तीन प्रकार की मसल्स ये पाई जाती हैं हमारे शरीर में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल से ही जुड़ा है, टेलर्स मसल कहलाती है। टेलर्स मसल मतलब टालर, सबसे लंबी मसल, तो वो होती है आपकी सार्टोरियस, पैर में पाई जाती है, डेल्टोइड कंधे में पाई जाती है, काफ मसल आपकी गैस्ट्रोस्टिनिमस होती है, और हैमस्ट्रिंग मसल आपकी थाई की बैक मसल होती है, और थाई की फ्रंट मसल क्वाड्रीसेप होती है। हैमस्ट्रिंग मसल का प्रयोग होता है, हैमस्ट्रिंग मसल मैंने बताया कि थाई की बैक मसल है, तो ये किस चीज़ में प्रयोग हो सकती है? फ्लेक्शन ऑन नी, घुटने को मोड़ने में ये हेल्प करती है। लॉन्ग रनर्स के अंदर होते हैं, लॉन्ग रनर के अंदर कौन से फाइबर होते हैं? ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि जो मसल फाइबर होते हैं रेड मसल फाइबर, वो किस में हेल्प करते हैं? इंडोरेंस वाले कामों में, और लॉन्ग रनर्स को इंडोरेंस की सबसे अधिक ज़रूरत होती है, तो लॉन्ग रनर्स के अंदर कौन से मसल फाइबर होते हैं? रेड मसल फाइबर। इसके बाद ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मानव शरीर में कुल मांसपेशियां होती हैं, मानव शरीर में कुल कितनी मसल्स होती हैं? तो ये 639 मसल्स टोटल होती हैं। इसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानव शरीर की सबसे बड़ी मसल कौन सी है? हमारी बॉडी में सबसे बड़ी मसल कौन सी है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस। हैमस्ट्रिंग वही मैंने बताया, थाई की बैक मसल, सार्टोरियस सबसे लंबी मसल, और ये हमारी बाजू की बाइसेप मसल फ्रंट की, और हमारे हैंड में जो बाजू होती है उसकी बैक मसल होती है ट्राइसेप। इसके बाद है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मसल पाई जाती है, मानव शरीर की जो सबसे मजबूत मसल है वो कहाँ पाई जाती है? वो जबड़े में पाई जाती है। इसके बाद है, मानव शरीर के वजन का कितने प्रतिशत वजन वॉलेंट्री मसल का होता है? जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो टोटल वेट है उसका कितने प्रतिशत जो है वॉलेंट्री मसल का वेट होता है? तीन प्रकार की मसल मैंने आपको बताई, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल, ठीक है। तीन प्रकार की मसल हमारे बॉडी में होती हैं,
तो वॉलंट्री मसल सबसे ज़्यादा होती हैं। जो वॉलंट्री का मतलब जो इच्छा के अनुसार काम करें, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करें। इनवॉलंट्री अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम ना करें। कार्डियक मसल भी इनवॉलंट्री होती हैं, लेकिन इनकी संरचना अलग होती है कुछ, ठीक है। तो इनका जो है टोटल कितना पाया जाता है शरीर में, 40% के ये बराबर होती हैं। इसके बाद ग्लूटियस मसल पाई जाती है। ग्लूटियस मसल कहाँ पाई जाती है, हिप्स के अंदर ये पाई जाती है। इसके बाद है सोलियस मसल पाई जाती है। जो सोलियस मसल है वो कहाँ पे पाई जाती है, गैस्ट्रोसिनिमस के जस्ट नीचे, काफ मसल के जस्ट नीचे, नीचे पाँव के निचले भाग में ये पाई जाती है। इसके बाद हम मसल शरीर को प्रदान करती हैं, जैसे भोजन से हमें एनर्जी मिलती है काम करने की, इसी प्रकार जो आपकी मसल हैं वो क्या प्रदान करती हैं, शरीर को आकृति देती हैं, ठीक है। जो जिम में जाते हैं उनका डेल डोल देखोगे तो अलग ही प्रकार का मिलेगा आपको। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हार्ट की मसल होती है, हार्ट की कैसी मसल होती है। मैंने अभी बताया था आपको कि हार्ट की मसल भी, जो कार्डियक मसल है, वो भी इनवॉलंट्री होती है, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, जो खुद ब खुद लगातार बीट करती रहती काम करती रहती है, हार्ट बीट चलती रहती है, जिससे जो शुद्ध ऑक्सीजन का जो शुद्ध ब्लड है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में लगातार चलता रहता है, जिससे हमें एनर्जी लगातार मिलती रहती है। अशुद्ध ब्लड को लगातार फेफड़ों की तरफ अपने आप ऑटोमेटिक ये काम करते हैं इनवॉलंट्री मसल। इसके अलावा जो हमारे फेफड़े हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर है, जो भी हैं जो खुद ब खुद काम करते रहते हैं, उनमें सब में इनवॉलंट्री मसल जो है पाई जाती हैं। बोन के साथ जुड़ने वाली मसल होती हैं। देखो इनवॉलंट्री वॉलंट्री दो चीज़ों को समझिए। जो वॉलंट्री मसल है ना, वो होती है रेखित मसल, जिसके अंदर इस प्रकार के फाइबर होते हैं रेखानुमा, ठीक है। ये फाइबर होते हैं लंबे रेशेदार, ठीक है। और इनवॉलंट्री जो मसल होती हैं, उसमें जो आपको फाइबर मिलेंगे वो मिलेंगे क्रॉस, ठीक है, क्रॉस मिलेंगे। तो जो आपकी बोन के साथ कौन सी मसल जुड़ती है, वॉलंट्री, जिससे हम काम कर सकते हैं, हैंड को उठा रहे हैं, हाथ की जो रेडियस अल्ना बोन है वो उठ रही है, ह्यूमरस और अल्ना आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, तो कौन सी जुड़ती हैं, वॉलंट्री मसल। वॉलंट्री मसल कौन सी होती हैं, रेखित रेशेदार मसल्स। इनवॉलंट्री मसल का दूसरा नाम है इनवॉलंट्री मसल, मैंने अभी बताया। एक होती है वॉलंट्री, जिसमें लंबे रेशे पाए जाते हैं, एक होती है इनवॉलंट्री मसल, जिसमें क्रॉस मसल फाइबर पाए जाते हैं। तो ये जो है आपकी हो जाएगी इनवॉलंट्री मसल का दूसरा नाम, अरेखित मसल। ये क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इजी लग रहे होंगे, लेकिन बेसिक्स से हम चल रहे हैं। मैं नहीं चाहता किसी भी छोटे से छोटे टॉपिक को छोड़ें कि क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, क्योंकि 2000 क्वेश्चंस में हम इजी क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, थोड़े हार्ड क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, हर प्रकार के क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो लगातार बने रहें इसी प्रकार से हमारे साथ, आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, हम नेक्स्ट डे उसी एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं। इसके अलावा चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन तो बता दिया करो, ताकि नेक्स्ट डे हम उस क्वेश्चन के ऊपर और अच्छी डिस्कशन कर सकें। अगर किसी क्वेश्चन को लेके हल्का सा भी कन्फ्यूजन है, एक कल एक बच्चे ने लिखा था, या टीचर भी हो सकता है वो प्राइवेट स्कूल का, मैंने बताया था एंथ्रोलॉजी क्या है, मैंने बताया था कि वो जॉइंट का अध्ययन है। तो एक ने नीचे कमेंट कर रखा कि एंथ्रोलॉजी जॉइंट से रिलेटेड नहीं है, भैया ये जॉइंट का ही अध्ययन होता है, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। गलत मैं हो सकता हूँ, लेकिन उस क्वेश्चन में कम से कम नहीं हूँ। एंथ्रोपोलॉजी जो है जॉइंट्स का ही अध्ययन होता है, ठीक है। इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपको हल्का सा भी कन्फ्यूजन हो ना, तो डायरेक्टली लिख दिया करो, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं गलतियाँ करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ गलतियाँ करता हूँ, और होंगी गलतियाँ, डेफिनेटली होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलतियाँ नहीं होंगी। तो इसलिए बेझिझक होकर लिख दिया करो आप, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, आप लिखोगे तो मैं भी कोशिश करूँगा उनको एक्यूरेट करने की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उनको हम क्लियर कर सकते हैं, और एक भी वीडियो को मिस ना करें, एक भी क्वेश्चन को, क्योंकि जब लास्ट में हम 2000 क्वेश्चन कवर कर लेंगे ना, तो मैं कोशिश करूँगा लाइव इन्हीं क्वेश्चन में से टेस्ट भी लेने की।
ठीक है, लाइव टेस्ट जिसके ऊपर आप साथ के साथ बताते जाओगे, ठीक है। तो लगातार और जल्द ही DSSB के TGT PGT के जितने भी ओल्ड पेपर है ना, वो सारे मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। बने रहें चैनल के साथ और दूसरे मित्र को भी जोड़ दें अगर कोई DSSB की तैयारी करना चाहता। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही ज्ञान, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।